हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं निखिल धामा, जिनकी गेट 2021 में रैंक 8 आई है और जिन्होंने एमटेक किया है आईएससी बेंगलोर से। अभी करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं सिस्को में। तो वेलकम निखिल, वेलकम टू गेट एंड टेक। थैंक यू लक्ष्मण, थैंक यू एवरीवन। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए, उसके बाद फिर आपकी जर्नी कवर करेंगे हम आराम से। श्योर। हाय एवरीवन, हाय, आई एम निखिल। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईएससी, फ्रॉम सीएसई डिपार्टमेंट। आई पास आउट इन 2023। सिंस देन आई हैव बीन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सिस्को सिस्टम्स। ओवर देयर आई हैव बीन पार्ट ऑफ अ team called PNP, which comes under, there's a con Cisco has a controller called Catalyst Center Controller. So I have been working as a like one of the component of that controller. Apart from that, if you find it interesting, I also like solving puzzles, all that. Like if I have some time free, I would like to solve puzzles or watch lots of movies. Even if you would have read my blog on GitHub, I have suggested to listen music if you are getting frustrated or not getting time. If you are feeling like lots of pressure, just watch movies or listen to some good हाँ, movies. बिल्कुल। आपके आंसर्स वगैरह भी देखे हैं उधर, बहुत अच्छे आंसर्स हैं गेट और फ्लो पे कुछ कुछ क्वेश्चंस के। उस टाइम एक्चुअली इट वाज लाइक आई वाज टच में, एकदम मतलब फील्ड के टच में हूँ। लाइक अभी अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा है, तो आई रिमेम्बर क्या है। तो आई हाँ अभी अगर मैं लिखने जाऊंगा तो आंसर, आई एम नॉट श्योर आई कुड राइट द सेम काइंड हाँ ऑफ आंसर। तो आपके माइंड में कब आया कॉलेज में कि यार गेट साइड जाना है, रादर देन आप प्लेसमेंट्स वगैरह साइड नहीं गए? इट वाज ओके, टू बी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। एट द टाइम द हॉस्टल आई वाज लिविंग इन, आई वाज द ओनली गाय हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। टेस्ट अदर ऑल द मेंबर्स इन द हॉस्टल वाज प्रिपेयरिंग फॉर गेट, ऑल वर बीटेक पास्ड आउट। सो एट द टाइम आई डिड नॉट डिसाइडेड वेदर टू गो फॉर गेट और नॉट, बट आई डिड नॉट गेट अ गुड रैंक इन जेई एट द टाइम। देन आई डिसाइडेड मे बी आई कुन गेट अ सेकंड चांस एट बाय गिविंग गेट। तो एट द टाइम आई डिसाइडेड, बट आई डिड नॉट प्रिपेयर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द टाइम। आई वाज हैड नो मोटिवेशन टू प्रिपेयर एट द टाइम। या तो फिर आई थिंक थर्ड या फोर्थ ईयर, आई थिंक फोर्थ ईयर के स्टार्ट में मैंने थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था। तो आपने मतलब सेल्फ स्टडी किया था या कहीं से आपने और पढ़ा था? मोस्टली आई वुड से सेल्फ स्टडी, एक्चुअली मोस्टली यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह फॉलो किए थे। फर्स्ट आई एक्चुअली आई गिव गेट टू टाइम्स, फर्स्ट इन 2020 एंड देन 2021। व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग इन 2020, एट द टाइम मोस्टली आई फॉलोड फ्रीली अवेलेबल लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड हियर एंड देयर व्हाट एवर फ्री लेक्चर्स आर अवेलेबल। बट आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड एट द टाइम इज आई डिड नॉट प्रैक्टिस मच। आई वाज आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट प्रैक्टिस, बट या उस टाइम पे बहुत कम प्रैक्टिस थी। तो व्हेन आई गेव गेट आई फेल्ट लाइक दिस इज नॉट द वे, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इफ आई एम गोइंग दिस वे। तो उस टाइम आई फेल्ट कि प्रैक्टिस की नीड बहुत ज्यादा है, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी बेटर। देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर अगेन एंड देन वेंट फॉर इट। तो आपने क्या मतलब स्ट्रेटजी में चेंज करा प्रैक्टिस के अलावा 2021 में, मतलब जो आपने गेट दिया सेकंड टाइम? या ओके, आई विल टेल यू व्हाट वाज माय लाइन ऑफ थॉट एट द टाइम। सो जैसे ही मैं गेट 2020 दे के आया, तो आई न्यू आई डिड वेरी बैडली। सो फर्स्ट थिंग आई नोटिस इज द टॉपिक, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट इन की ये टॉपिक मैं अच्छे से कर लूंगा, मैं उन्हीं के क्वेश्चन नहीं कर पाया एग्जाम में। तो इट फेल्ट लाइक कि आई नो न्यू, लाइक माई बेसिक्स वर वेरी वीक एट द टाइम। सो आई फेल्ट आई नीड टू डिग डीपर इन द टॉपिक्स। लाइक आई फेल्ट लाइक कि अगर मुझे बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे, देर इज नो पॉइंट मैं पूरा सिलेबस भी कवर कर लूँ, कुछ नहीं हो पाएगा अनटिल अनलेस आई कवर ऑल द बेसिक्स एंड नो व्हाट इज द एक्चुअल रीजनिंग बिहाइंड ईच एंड एवरी टॉपिक। आई वाज नॉट ट्राइंग टू कवर द टॉपिक्स, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्रॉडर वे, आई एम ट्राइंग टू गो इन एज डीप एज आई कुड हैव गोन एट द टाइम। सो फर्स्ट थिंग आई ट्राइड इज I collected all the books which every gate experienced. Anyone who gets start getting motivated, they will collect all the books. But you don't have to lose motivation at the time. You have to continue that motivation. So बिल्कुल। that is what I followed the second year. I followed all the standard lectures, and I go read almost like there is only one or two subjects for which I might not have read books. Otherwise, I have read all the topics from the books mainly. So where then I felt like my topics, actually my basics were clear after that time.
सो आई फेल्ट कि थोड़ा वो चेंज करना जरूरी था उस टाइम पे. इवन इवन हु इज प्रिपेयरिंग, अभी भी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, आई फेल्ट लाइक अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं देन यू आर वेरी गुड इन द वेरी गुड ट्रैक. बट अगर बेसिक्स में इश्यू आ रहा है देन थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा. बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट किसी भी आप फर्स्ट ईयर का कोई भी गेट एग्जाम उठा के देख लो, मोस्टली क्वेश्चन बेसिक्स होते हैं. कोई गिने चुने क्वेश्चन डाल देते हैं जो ट्रिकी होंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी बेसिक क्वेश्चन. और जैसे आपने मतलब बुक्स पढ़ी तो आपको आइडिया लग गया कि मेरे बेसिक्स काफी ठीक हैं, तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस के लिए क्या करा फिर? या ओके या दैट इज गुड. एट द टाइम आई थिंक गेट ऑफ फ्लो बुक्स वॉज नॉट अवेलेबल टू प्रिंट. सो वट आई डिड इज आई डाउनलोडेड द पीडीएफ, आई टुक हाँ प्रिंट आउट ऑफ देम, अच्छा आई हैड ऑल द प्रिंट्स, देन आई यूज टू सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दैट अपार्ट फ्रॉम दैट एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज मैंने इतनी कुछ ज्यादा ली नहीं थी उस टाइम पे. इवन टू बी ऑनेस्ट मैंने टेस्ट सीरीज सिर्फ एक या दो ही दी है. एक तो गेट ऑफ फ्लो की टेस्ट सीरीज आई कंटिन्यूअसली फॉलोइंग. हाँ सेकेंड टेस्ट सीरीज आई थिंक आई गेव फॉर व्हाट इज द नेम, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द, सॉरी कोई आई बात नहीं, फॉरगॉट. कोई बात नहीं। ओके व्हाट वाज दिस कोचिंग हु रिसेंटली दे गए अबाउट दिस? गेट गेट जील और मेड जी अनअकैडमी, ओके दैट्स कंटिन्यू. सो आई वाज कोई फॉलोइंग वन दिक्कत। मोर गेट टेस्ट सीरीज. सो टू टेस्ट सीरीज आई एम फॉलोइंग, बट फॉर प्रैक्टिस आई वुड से आई वाज नॉट फॉलोइंग टेस्ट सीरीज फॉर प्रैक्टिस. आई वाज यूजिंग टेस्ट सीरीज टू टेस्ट माय सेल्फ वेयर आई स्टैंड राइट नाउ और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर गिविंग एंड वेदर आई एम एबल टू टैकल दोस क्वेश्चन और नॉट. प्रैक्टिस के लिए आई वाज मोस्टली फॉलोइंग आदर द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक और एनपीटेल असाइनमेंट्स. दे आर वेरी गुड. यू बिल्कुल हैव जेम्स ऑफ द क्वेश्चंस इन योर हैंड, व्हाई आर यू नॉट हाँ फॉलोइंग देम? थर्ड थिंग इज आई वाज फॉलोइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. I was using previous year questions as a like practice for me. So it was like 5 6 days I used to prepare, and like one day in a week I used to just solve previous year question. I will not touch any topic in that day. I'll just solve question so that I am in practice to solving question also, and I can continue learning new stuff also. So that was my strategy at the time. And yeah, Get Out Flow also really helped. It helped me to collect lots of resources, if I would be honest. Mostly resources I found there, and even one professor, what is his name? Professor Sai Simonsen. Five I found his lectures हाँ through Get Outflow. So those lectures are like, I don't know क्रेजी how good they are. Yeah. क्रेजी I still remember first time I learned the topic generating function from him. It was something differently. How well he explained. It was like once I watched that lecture, give me any generating function question, I can solve it. It was very good actually. So yeah, Get Outflow helped a lot at that time. और आपने नोट्स वगैरह कब बनाए थे, 2020 की प्रिपरेशन में या 2021 वाले गेट में? 21 mostly. 2020 के टाइम पे तो आई वाज नॉट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, आई वाज नॉट दैट मच सीरियस. तो आई फेल्ट बिकॉज यू नो, अगर मैं कुछ टेस्ट सीरीज नहीं दे रहा हूँ, आई वाज जस्ट वाचिंग ये रैंडम यूट्यूब वीडियो. नोट्स थोड़े बहुत थे बट दे वर नॉट क्लियर. तो उस टाइम पे आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड वेल. तो मोस्टली 2021 के टाइम पे बनाए. कुछ नोट्स 2020 के थे बट वो लाइक फिर वो मैंने थोड़े और एक्सटेंड किए, थोड़े बढ़ा के लिखे, और मतलब थोड़ा जो पॉइंट्स मिसिंग थे वो पॉइंट एनहांस कर लिए उनको नोट्स एनहांस करने के बाद. इवन टू बी ऑनेस्ट आई मेड टू नोट्स, टू डिफरेंट नोट्स. वन वाज वन डीपर नोट्स व्हिच कवर्स एवरीथिंग, एंड देयर वाज वन सेपरेट शॉर्ट नोट्स जिसमें जस्ट लाइक व्हिच आर द थिंग्स आई एम प्रोन टू फॉरगेट. लाइक जो चीजें मैं कंप्लीटली भूल जा रहा हूँ तो मैं उनका क्या कर रहा था. लेट्स आई टोल्ड यू लाइक एवरी सैटरडे और संडे आई यूज टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो आई यूज टू फॉलो दोज नोट ऑल्सो. सो लेट्स फर्स्ट गो थ्रू दोज नोट सो दैट आई एम बैक ऑन द टॉप ऑन दोज टॉपिक्स विच आई एम फॉरगेटिंग, सो दैट आई कैन कंटिन्यू. इफ यू आर लाइक रिमेम्बरिंग दोज टॉपिक्स एवरी वीक, इट्स लाइक यू विल बी हैव नो ऑन टॉप ऑफ योर बिल्कुल। हेड. एनी टाइम समवन विल आस्क क्वेश्चन ऑन देम यू विल नो. और रिवीजन में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्योंकि आजकल लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि जो मतलब जुलाई अगस्त में सब्जेक्ट पढ़े वो भी भूल रहे हैं, और अगर मार्च अप्रैल में पढ़ा तो और ज़्यादा भूल रहा है, और कंटिन्यूअसली रिवीजन अगर नहीं होता तो ऐसा लगता है कि ऐसा होता है ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं पीछे मैदान साफ होता जा रहा है, समथिंग Yeah, लाइक दैट। that is where I utilize those Saturday Sundays. I told you, it's not like let's say I studied some discrete math topic in this week, so I will not solve discrete math question this week. I will solve some topic which I have might studied 1 month back, so that I am in touch with that topic also, and I am reading discrete math also. And whenever like let's say after 1 or 2 months, I will again go back to those topics and I will read once whole notes so that I am again back in touch.
इट्स लाइक आई वाज नेवर लीविंग एनी टॉपिक बिहाइंड. सो इफ लेट्स से आई कवर टू सब्जेक्ट्स, आई केप्ट रिवाइजिंग दोस टू सब्जेक्ट्स आल्सो, सो दैट आई डोंट हैव टू गो एंड रीड एवरीथिंग अगेन. इट्स बिल्कुल ट्रिकी, आई एग्री. इवन लाइक राइट नाउ आई एम नॉट इन दैट मच स्ट्रेस, सो आई फॉरगॉट लाइक आई कैन से हाफ ऑफ माई नोट्स. आई डोंट रिमेम्बर हाफ ऑफ दोज नोट्स. सो इफ यू आर नॉट टच, यू आर डेफिनेटली प्रोन टू फॉरगॉट दोज थिंग्स. तो वो ये कि पीरियोडिकली आप रिवीजन करो कैसे राइट भी राइट राइट करके। राइट इट्स अप टू यू एक्चुअली, हूवर इज प्रिपेयरिंग. तुम्हारी जो बेस्ट कंफर्ट जोन है, और लाइक आई शुड नॉट से कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा अगर तुम्हें थोड़ा करना है तो बिल्कुल बट वही तुम्हें जो बेस्ट टाइम सूट करे कि इस टाइम पे मेरे को, बट एक फिक्स रखना पड़ेगा एंड जस्ट फॉलो दैट कि मेरे को इस दिन रिविजन ही करना है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. तो दैट वे यू विल बी इन टच फॉर एवरी टॉपिक. एक्चुअली रिविजन पर रिविजन इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. बिल्कुल And also solving those PYQs is kind of a revision. If you are not following, just don't watch your notes while solving the question. If even if one question takes you an hour, but if you are able to do it yourself, you will be happy after that you are able to solve it. तो कभी ऐसे होता था कि जैसे आपने कोई टॉपिक के क्वेश्चंस लगाए और अगर नहीं बने तो आप अपने नोट्स दोबारा अच्छे से रिवाइज करते, तो उस टॉपिक का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं। काफी बार हुआ है ऐसा, बट कभी कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि आई वॉच इमीडिएटली. मैंने कभी कभी एक एक क्वेश्चन पे एक वीक भी लगाया है कि एक एक वीक तक मैंने टॉपिक्स नहीं देखा, जस्ट ट्राइड टू सॉल्व इट माई सेल्फ. आई वुड नॉट सजेस्ट एवरीबडी टू फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट आई वॉज लाइक कि आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू सी कि मैं खुद से कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ विदाउट फॉलोइंग एनीथिंग. बट अगर नहीं हो पाता देन आफ्टर 1 वीक आई विल गो बैक टू नोट्स एंड आई रीड दैट टॉपिक एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व इट अगेन. इवन अगर तब भी नहीं हो पाता देन आई विल डेफिनेटली वॉच सॉल्यूशन, फिर आई ट्राई टू सॉल्व इट माई सेल्फ. There was lots of question which I needed to watch solution. I could not do it by myself. काफी solution थे, especially in operating system there was several questions which I had. बट आप एक क्वेश्चन में काफी स्ट्रगल कर लेते थे, तो फिर आप जब सॉल्यूशन देखते होगे तब आपको आइडिया लग जाता कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। बिल्कुल Right, right, exactly. Right. Mostly questions में आई इवन मोस्टली क्वेश्चन में स्ट्रगल हुआ है 2013 का जो पेपर था उसमें. तो I remember that exam. तो उसके 2 3 क्वेश्चन थे. वन इज पेज कलरिंग क्वेश्चन वाज देयर आई थिंक, 2 3 क्वेश्चन थे. तो उनमें मोस्टली स्ट्रगल करता था मे बी बिकॉज आई थिंक किसी मोस्टली बुक्स में दैट टॉपिक इज नॉट वेरी वेल क्लियर्ड. अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइक गैल्विन उठा के देखोगे तो गैल्विन दैट टॉपिक इज नॉट दैट वेल क्लियर. तो तुम्हें एक्सटर्नल रिसोर्स जाके कुछ फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम्हें वो क्लियर करना. आई थिंक उस क्वेश्चन गेट और फ्लो पे जो क्वेश्चन अवेलेबल है वहीं पे आई थिंक एक वीडियो का लिंक है. देयर इज आई थिंक यू आइदर आई थिंक कोर्सेरा लिंक इज देयर. वो प्रोफेसर ने जो समझाया वो थोड़ा बेटर वे में समझाया हुआ है, दैट क्लियर सब थिंग्स. और टेस्ट सीरीज जब आप लगाते थे तो आजकल क्या होता है कि लोगों के काफी मैसेज आते हैं कि यार हमारे मार्क्स नहीं आते तो हम क्या टेस्ट सीरीज दें या ना दें, और कैसे एनालाइज करते थे आप, अटेम्प्ट कैसे करते थे। कई लोग बोलते हैं कि हम क्वेश्चन से पहुंच नहीं पाते सारे क्वेश्चंस पे, कई लोग बोलते हैं कि हम मतलब काफी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, कुछ ईगो पे ले लेते हैं लोग चीजों को। या दैट एक्चुअली ईगो पे नहीं लेना चाहिए. इट्स लाइक अगर तुम एक क्वेश्चन को ईगो पे लेके बैठ गए तो लाइक तुमने अपना मोस्टली टाइम वहां पे इन्वेस्ट कर दिया एंड तुम बाकी क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे. यू नो किसी भी गेट के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसा आने वाला है जो तुम मे भी हो सकता नहीं कर पाओगे. इट्स नॉट लाइक तुम पूरा 100 मार्क्स कर पाओगे. एक दो क्वेश्चन होंगे जो तुम मिस कर गए होंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक. तो अगर तुम किसी क्वेश्चन को ऐसे लेके बैठ रहे हो तो तुम हो सकता है आगे की 4 5 क्वेश्चन इतने इजी हो तुम आते हो तुम एक के चुके 5 छोड़ दिए तुमने. सही तो बात लाइक है। एक क्वेश्चन को मिनिमम टाइम देना चाहिए. लाइक गिव एवरी क्वेश्चन लाइक 2 मिनट. अगर 2 मिनट में तुम्हारे कुछ क्लिक नहीं कर रहा जस्ट स्किप इट एंड गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड कम बैक टू इट वन. अगर अगर तुम्हें बाद में टाइम मिलता है ना कम बैक. सेम स्ट्रेटेजी आई यूज टू फॉलो. एक्चुअली आई शुड नॉट से दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बट व्हेन आई वाज गिविंग टेस्ट सीरीज आई वाज यूजिंग प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो एज अ टेस्ट सीरीज. हाँ ये भी बेस्ट है। तो क्या हो रहा था एट द टाइम आई वाज नॉट ट्राइंग टू कवर एज मेनी एज क्वेश्चन. आई वॉज ट्राइंग टू रिड्यूस माई टाइम. तो टेस्ट सीरीज में मैं कैसे कर रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मेरे पास 3 आवर है, आई वॉज थिंकिंग मेरे पास 2 ही आवर है, मुझे 2 आवर में पूरा पेपर सोल्व करना. तो आई वॉज ट्राइंग टू ट्रेन माई सेल्फ इन दैट वे कि आई कुड सोल्व. आई सोल्व मोस्ट ऑफ लाइक काफी सारे स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल किया है, बट एट द टाइम ऐसा आने लग गया था कि मैं 2.5 घंटे में उनको सोल्व करने लग गया था. तो 2.5 घंटे में तो वो प्रैक्टिस से ही होगा. एज मच एज यू ऑन प्रैक्टिस तुम्हें वो खुद को ट्रेन कर पाओगे कि तुम क्वेश्चन को पढ़ते समझ पाओ क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन. और ये भी तुम्हें देखना है, मैं आना चाहिए कि तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो तुम
तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए इसका, या जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन? वो तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मुझे अभी बाद में देखना चाहिए, जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आई रिमेम्बर वन ऑफ द टेस्ट सीरीज इज दैट इज वेरी फेमस टेस्ट सीरीज ऑन गेटर फ्लो, हाईएस्ट मार्क्स फॉर दैट एग्जाम इज आई थिंक 60 or 70, आई थिंक नो वन वॉज एबल टू गेट मोर मार्क्स देन। Those question was so much fun, and I remember I attempted most of them wrong. ओ It was very good. So time management का थोड़ा वो practice से ही आएगा, I think। जितना ज्यादा तुम practice करोगे, जितना ज्यादा देखोगे, तो उससे तुम्हें idea लगेगा कि ये question थोड़ा बाद में देखना चाहिए। Then skip that question, just give 2-3 minutes and just skip। 2-3 minutes वैसे देखा जाए तो totally देना चाहिए तुम्हें किसी question को solve करने तक लेके, बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो और तुम try कर रहे हो तो भी मैक्सिमम 2-3 minutes से देना, आई थिंक बिल्कुल। दैट इज वॉट आई यूज टू फॉलो एक्चुअली एटलीस्ट। और टेस्ट देने के बाद जैसे आप एनालिसिस कैसे करते हो, क्योंकि वो वाला पार्ट भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, और वो वाला पार्ट काफी लोग थोड़ा स्किप कर देते हैं या फिर थोड़ा लाइटली ले लेते हैं उन चीजों को। राइट, तो मैंने जो मोस्टली फॉलो किया है व्हाट वाज रियल लेक्चर, मैंने अभी एक टेस्ट दिया एंड आई अटेम्प्टेड लेक्चर, उसमें 20 क्वेश्चन है एंड आई अटेम्प्टेड 5 रॉन्ग्स। सो मोस्टली आई नेवर यूज टू वॉच जो मैंने सही किया उनका क्या किया है, इफ इट देयर करेक्ट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट था बट वो फिर भी सही हो गया, दोज क्वेश्चन आई यूज टू वॉच अगेन, अदरवाइज सही होने वाले में नहीं देखता था, बट रॉन्ग होने वाले में मैं क्या करता था, आई यूज टू सोल्व अगेन बिफोर वॉचिंग द सोल्यूशन एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग। आई विल ट्राई टू सोल्व अगेन एंड आई विल सी पहले मैंने क्या किया था, अभी मैंने क्या किया और क्या मिस्टेक किया मैंने उसमें। अगर तब भी नहीं हो रहा तो देन आई इमीडिएटली वॉच सोल्यूशन फॉर दोज क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने कहाँ गलती की है, एंड गलती करने के अलावा आई यूज टू यूटिलाइज दोज लिस्ट अवेलेबल ऑन गेटर फ्लो, देयर इज एन ऑप्शन टू सेव लिस्ट राइट। तो हाँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है बहुत ज्यादा ट्रिकी लग रहा है मेरे को, लाइक लग रहा है कि इसको मेरे को बार बार देखना चाहिए, तो मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो उसको कभी बाद में देख लेंगे लिए। हाँ वो लिस्ट वाला फीचर बहुत अच्छा है, उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए इसी चैनल पे। ओके, दैट्स रियली गुड एक्चुअली। यू कैन क्रिएट मल्टीपल लिस्ट अगर तुम्हें देखना है कि ये क्वेश्चन दोबारा देखना है या फिर नाइस क्वेश्चन है, आई हैड टू थ्री सेपरेट लिस्ट लाइक दिस। हाँ इसमें भी और लाइक आई टोल्ड यू गेट और फ्लो पीडीएफ की मैंने प्रिंटआउट निकाल के रखे थे, तो आई यूज टू फॉलो स्टार मार्किंग सिस्टम। तो मैंने किसी क्वेश्चन को अगर मैं एक फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा हूँ तो आई यूज टू हैव वन स्टार ऑन दैट। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड आई शुड वॉच इट अगेन, तो मैं उसको 3 या 4 स्टार देता था ऐसे। तो आई यूज टू फॉलो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो स्ट्रेटजी मतलब जो आपने बनाई तो एक किसी की आपने देख के बनाई, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को और वो वर्क नहीं करती कई बार तो। नॉट रियली, आई वुड नॉट से किसी को देख के कुछ कॉपी करना भी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी इज हाँ डिफरेंट, बिल्कुल सबकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट है, सबका समझने का तरीका डिफरेंट है। हो सकता है जो जिस वे में चीजें मेरे को समझ आ रही है तुम्हें ना आए, तो हाँ आई वुड नॉट सजेस्ट कि ऐसे ही आंख बंद करके किसी का फॉलो करना चाहिए। इफ समथिंग इज हेल्पिंग यू डेफिनेटली फॉलो इट, बट इफ समथिंग इज नॉट हेल्पिंग यू देन डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड योर ओन वे। बिल्कुल नहीं उस टाइम पे ऐसे कुछ फॉलो नहीं किया था, जस्ट आई न्यू व्हाट आई नीडेड टू डू, आई नीडेड टू क्लियर माई बेसिक्स एंड आई नो वेयर आई नीड टू गो टू क्लियर माई बेसिक्स इज बुक्स। दैट इज बिल्कुल माई बेस्ट प्लान टू गो विद एक्चुअली, आई डिड नॉट इवन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स आफ्टर दैट। सो वन मोर थिंग, देर विल बी अ टाइम जब डाउट आने लगेगा बीच में कि मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, नहीं हो पाया तो क्या, वो थोड़ा जस्ट कीप हाँ। स्टडिंग वो सब निकल जाता है। और आपने मॉक टेस्ट वगैरह कब से स्टार्ट की थी लगाना, और उसमें क्या स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? मॉक टेस्ट आई टोल्ड यू लाइक आई यूज टू यूज दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज टेस्ट सीरीज आल्सो, वो भी मॉक टेस्ट ही अगर देखोगे हाँ तो। बिल्कुल बिल्कुल आई स्टार्टेड वेरी अर्ली एक्चुअली, एस आई फिनिश माय आई डिड नॉट फिनिश माय कंप्लीट सिलेबस टिल जनवरी एक्चुअली आई विल से, क्योंकि बुक्स पढ़ने में बहुत टाइम जाता है हाँ अगर तुम बिल्कुल सारे डेप्थ में पढ़ रहे हो, तो टिल जनवरी तक। इवन ऐसा भी था एंड में मैंने टॉपिक छोड़ के भी गया था मैं, तो पूरे पेपर्स मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था आई थिंक दिसंबर एंड से मेरे, या दिसंबर एंड यू कैन से दिसंबर एंड से मैंने पूरे पेपर फुल जनवरी, तो मैंने क्या किया था फुल जनवरी वाज लाइक वन डे आई विल स्टडी वन डे आई विल जस्ट गिव मॉक्स एंड ऑल दोस मॉक्स वुड बी आदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अपने गेट ऑफ फ्लो के मॉक्स जो थे या फिर व्हाट एवर द नेम ऑफ द फॉरगॉट द नेम ऑफ द कोचिंग, अप्लाइड गेट या इट वाज अप्लाइड गेट, यू आर राइट इट वाज अप्लाइड या गेट। अप्लाइड गेट के टेस्ट सीरीज आई यूज्ड टू गिव हाँ। दिस वन अब उनका शायद बंद हो गया है गेट का प्रोग्राम, वो अब रनिंग हो रहा है। हाँ हाँ देर टेस्ट सीरीज आई यूज्ड टू डू, देर देर क्वेश्चंस वाज आल्सो रियली गुड एक्चुअली।
तो जब आप एग्जाम हॉल में गए तो वहां कैसा फील हो रहा था? नर्वसनेस हो रही थी क्या? टू बी ऑनेस्ट, एक्चुअली डे बिफोर द एग्जाम आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग, आई जस्ट क्लोज माई बुक्स. पहले दिन मैंने कुछ नहीं किया, इवन एट नाइट आई वॉज वॉचिंग टीवी एंड आई जस्ट स्लेप्ट. सुबह को आई लेफ्ट. एक्चुअली आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक आई वॉज गोइंग टू गिव एन एग्जाम राइट अप अंटिल आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल. टिल देन आई वॉज नॉट फीलिंग एनीथिंग एक्चुअली, नाइदर हैप्पीनेस, नो एक्साइटमेंट, नो नर्वसनेस, नथिंग. बट न्यूट्रल. एज सून एज आई रीच द एग्जामिनेशन हॉल आई फेल्ट लाइक ओके दिस इज इट, नाउ आई हैव टू डू, आइदर आई हैव टू मेक इट वेरी बैड और आइदर आई विल डू परफॉर्म वेरी वेल. सो आई एंटर द एग्जाम हॉल. एट द टाइम आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, बट राइट अप अंटिल आई रीच देयर नथिंग एक्चुअली. एग्जाम हॉल में भी लाइक कुछ टाइम वो बैठा के रखते हैं थोड़े टाइम बीस मिनट तक, हाँ तो वो थोड़ा था, वो 20 मिनट थोड़े मुश्किल था निकालने. हाँ बट तो फिर वन जैसे थिंग आई नेवर आई फील लाइक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी होता है. अगर तुम उस टाइम पे कुछ, लेट्स से तुम जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर, तुम कुछ नया टॉपिक मत उठा लो पढ़ने के लिए. मैं तो लेके भी नहीं गया था कुछ, नो नोट्स नथिंग, जस्ट जो आता है. क्योंकि आई डोंट बिलीव कि तुम एक दिन पहले पढ़ के कुछ भी कर पाओगे गेट, एटलीस्ट गेट काइंड ऑफ एग्जाम में. तो सही जो बात है. आता है बस उतना करो, कुछ याद नहीं रह पाएगा उस टाइम के बाद. क्योंकि तुम उस नर्वस इतने हो, तुम जो भी पढ़ने वाले हो डेफिनेटली कुछ याद नहीं रहने वाला वहां पर. हाँ वही तो. नर्वसनेस तो आपने फिर जब पेपर देखा तो फिर तो मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे होगे या फिर कुछ और भी माइंड में चल रहा था? नो एक्चुअली जब एकदम एक बार टीवी स्क्रीन मतलब मॉनिटर स्क्रीन सामने आई, उसके बाद तो कुछ नहीं था दिमाग में. बट हाँ थोड़ा बीच में स्ट्रगल हुआ था. एक बार मैंने एक्चुअली शुरू के 4-5 क्वेश्चन में काफी टाइम निकाल दिया था. तो उसमें एक क्वेश्चन आ गया था जो फंस गया था. आई वॉज नॉट एबल टू गेट द राइट आंसर फॉर दैट, और आई स्पेंड लाइक 5-6 मिनट ऑन दैट क्वेश्चन, जो कि नहीं करना चाहिए था. बट देन आई थॉट कि अगर मैं ऐसे ही निकालता रहूंगा, और मैंने देखा कि मेरी 15 से 20 मिनट जा चुकी है, 4-5 क्वेश्चन ही हुए अभी तक, और मैं फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन पे हूँ. तो आई सो देर इज एन ऑप्शन टू क्लोज द क्वेश्चन विंडो. यू कुड हैव क्लोज, यू कुड नॉट, लाइक उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा कि तुम कौन से क्वेश्चन नंबर पे हो, तुमने कितने कर लिए कितने नहीं कर लिए. तो मैंने वो बंद किया कि अब इस पर नहीं ध्यान जाएगा तो थोड़ा डिस्ट्रेक्शन कम होगा, पूरा बंद किया एंड आई स्किप दैट क्वेश्चन. उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया कि बाद में आता है इस क्वेश्चन पे. तो वो बंद करने के बाद थोड़ा कंट्रोल में आया चीजें, और आई हैड वन पास टू द होल पेपर. देन आई केम बैक, आई सो लाइक मोस्टली क्वेश्चन हो गए हैं, शायद 7 या 8 क्वेश्चन बचे थे. तो मैं कहा इनको देखता हूँ, तो उनमें से जितने हुए जितने मतलब कुछ कुछ में ऐसा था आई हैड लाइक वेरी स्मॉल डाउट कि ये हो सकता है. तो जो कम डाउट वाले थे वो मैंने टिक कर दिए ऐसे तैसे कुछ भी, जो ज्यादा डाउट वाले थे वो मैंने छोड़ दिया. लाइक 50-50 वाले भी मैंने छोड़ दिया, इफ आई हैड 50-50 डाउट वो मैंने छोड़ दिया था. क्योंकि नेगेटिव लेने से अच्छा है एटलीस्ट सही दो बात, नंबर तो मिलने बाकी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो बाकी एट द एंड आई थिंक आई अटेम्प्टेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. आई लेफ्ट टू एप्टीट्यूड क्वेश्चन, बोथ ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चन एक्चुअली, एंड वन और टू टेक्निकल टेक्निकल. क्वेश्चन आई मेट लेफ्ट, मोस्टली आई अटेम्प्टेड एक्चुअली. अरे तभी तो इतना बढ़िया रैंक आई है. नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, गलत भी काफी थे क्वेश्चन. लकीली क्या हुआ, जो मोस्टली क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं वो एनएटी या फिर एमएसक्यू थे, तो नेगेटिव से बच गया मैं वहां पे. तो वो सही रह गया. एक जो नेगेटिव वाला सिर्फ एक गलत हुआ है, वो मेरी किस्मत ऐसी थी, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, वो मैंने गलत किया है, वो एक क्वेश्चन नेगेटिव है बस. ठीक नहीं है, वो तो होता है. हाँ रैंक और भी बढ़िया हो जाती है. इट्स फाइन, ठीक उसका कुछ फर्क है नहीं ज्यादा है मतलब. राइट. एक्चुअली जब मैं प्रिपेयर कर रहा था आई वाज नॉट टारगेटिंग एनी रैंक, आई वाज टारगेटिंग कि आई एम सो गोइंग गोना सॉल्व होल पेपर. सो माई टारगेट वॉज, बिकॉज आई फील लाइक अभी नहीं, ये पहले से मेरा मानना है कि अगर तुम अपने लिए टारगेट, लेट्स से तुम अपने लिए टारगेट 50 का रखोगे तो तुम 30-40 तक पहुंच पाओगे. तुम अपने लिए टारगेट 100 का रखो, तुम सदा एटलीस्ट 70-80 कहीं 90 तक पहुंच तो पाओगे. तो आई वॉज माई टारगेट वॉज लाइक आई हैव टू प्रिपेयर फॉर 100 मार्क्स. जो रैंक आएगी वो बाद में देखी जाएगी. माई टारगेट वॉज टू कवर एवरीथिंग एंड जस्ट रीच फॉर द टारगेट. तो बिल्कुल बिल्कुल. वही ये चीज काफी, इवन मैंने खुद रियलाइज की है बहुत बार, इफ आई एम टारगेटिंग की अच्छा ये सब्जेक्ट है मेरे को, इसमें जस्ट पास होना है, तो उसमें इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू पास एक्चुअली. तो टारगेट जितना हाई रखोगे अपने लिए यू विल बी एबल टू पुट मोर एफर्ट इन दैट एक्चुअली. तो जब रिस्पॉन्स की आई तो आपका क्या फर्स्ट रिएक्शन था? रेस्पॉन्स की आने पे एक्चुअली, हाँ पहले मैं बताता हूँ तुम्हें, जब एग्जाम दे के आया तब मेरा क्या रिएक्शन था. एग्जाम दे के आने के बाद आई फेल्ट लाइक कि कुछ क्वेश्चन आई न्यू कि कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे काफी गलत हुए हैं,
आई फेल्ट लाइक कि माई रैंक अगेन इज गोना ड्रॉप टू सेम लेवल सेम एज 2020 पे, बिकॉज देर वर सम क्वेश्चन आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन. तो जब की आई, आई डिड नॉट नो कि सबका ऐसा गया है. तो जब की आई देन आई फेल्ट लाइक ओ यार काफी, मतलब की आने के बाद आई सो कि लाइक देर माई मार्क्स इज वेरी गुड एट द टाइम. की आने के बाद आई फेल्ट ओके नाउ इट्स फाइन. तो एट द टाइम आई रियलाइज ओके अब थोड़ा कुछ हो जाएगा. दैट वॉज इट. की आने के बाद भी देर वॉज सम डिस्प्यूट इन टू और थ्री क्वेश्चन इफ यू रिमेम्बर. और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब रिस्पॉन्स किया तो उसमें, क्योंकि हम गेट ओवरफ्लो में डालते हैं तो रैंक अप्रोक्सीमेट आ जाती है समथिंग, टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट टेल माई पेरेंट्स एट द टाइम. आई है जस्ट टेल हिम डायरेक्टली ऑन द रिजल्ट डे. आई डिड नॉट टेल ना? हिम एनीथिंग एल्स. सरप्राइज सरप्राइज दिया आपने. दे डिड नॉट इवन न्यू दैट की वाज देयर. सो डायरेक्टली ऑन द रिजल्ट डे आई टेल देम. बट इवन ऑन द रिजल्ट डे देयर रिएक्शन वाज वेरी नॉर्मल बिकॉज दे न्यू माय शेड्यूल वाज लाइक आई यूज्ड टू स्टडी ड्यूरिंग नाइट. ओनली मोस्ट ऑफ द डे टाइम आई यूज टू स्लीप एंड आई यूज टू स्टडी ड्यूरिंग नाइट टाइम बिकॉज इन माई होम टाउन वेर आई स्टे एक्चुअली देर इज लॉट्स ऑफ ट्रैफिक एंड ड्यूरिंग डे टाइम देर इज लॉट्स ऑफ नॉइज एंड क्राउड बी देयर. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन ऑल दोस थिंग्स. सो आई जस्ट यूज टू स्टडी एट नाइट. तो उनको पता है मैं रात में पढ़ रहा हूँ सुबह, तो दे वर लाइक ओके ठीक है. तो भरोसा और भरोसा मे था उन्हें. बी मे बी आई एम नॉट श्योर या बट एक्चुअली दे गेव मी अ फुल फ्रीडम एक्चुअली बिकॉज आई ड्रॉप आफ्टर गेट एक्चुअली फॉर जीएम. फॉर 1 ईयर आई एम सिटिंग होम एंड जस्ट प्रिपेयरिंग. तो एट द टाइम दे सपोर्टेड रियली वेल. तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन टाइम उस टाइम पे उन्होंने काफी सपोर्ट किया. दैट वाज नीडेड फॉर मी एक्चुअली. अगर नहीं किया होता उस टाइम पे तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट. तो या और उसके बाद जैसे फिर आप आईएससी गए तो थोड़ा बहुत आईएससी का एक्सपीरियंस बता सकते हैं, कैसा है स्टडी में, मतलब कैंपस वाइज सारी चीज़ें, कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? आईएससी का एक्सपीरियंस यार, आईएससी ओर से देर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी फीलिंग दैट यू आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. देर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल बी फीलिंग अब मेरे को बाहर निकलना है यहाँ से, बहुत हो गया है. देर विल बी ऑल काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू विल हैव. कभी कभी ऐसा भी था कि तुम पूरी पूरी रात बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे हो. कभी कभी ऐसा भी रहा होगा ठीक है आज चिल ले लेते हैं कुछ नहीं करना है. तो इट वॉज लाइक रोलर कोस्टर एट द टाइम. You will get बिल्कुल. all kind of experience, but once you will get out of it, you will actually realize कि वो बहुत ज़्यादा important था जो तुमने ऐसे में किया है. Like the struggle or the time you spend there, that gonna help you a lot in future actually. बिल्कुल. Yeah. और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री का भी आपको एक्सपीरियंस है तो वो भी कुछ बता सकते अरे हैं. यार अभी 1 साल ही हुआ इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बट इंडस्ट्री में आई फेल लाइक मोस्टली तुम्हारा टीम डिपेंडेंट होता है. इट डिपेंड्स ऑन योर टीम और टीम यू गॉट. इफ यू गेट अ वेरी गुड टीम हु इज सपोर्टिव तो तुम्हें बहुत ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत ईजी है कुछ नहीं है होता रहेगा धीरे धीरे चीजें सीखने को मिल जाएंगी. बट देर आर टीम्स जो प्रेशर डालती हैं लाइक उनको चाहिए कि हम मेरे को इस टाइम तक फिक्स टाइम तक वर्क चाहिए. तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर टीम इफ दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन यू और नॉट एंड ऑल्सो ऑन योर मैनेजर. मैनेजर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर तुम्हारा मैनेजर सपोर्टिव है और लाइक तो ठीक है बट अगर मैनेजर थोड़ा सनकी है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स व्हाट आई फेल्ट. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीम. हाँ, तो आई ऑल्सो थिंक वर्क तुम्हें क्या काम मिला उसको भी डिपेंड करता है. अगर हाँ तुम्हें वो इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा उस काम करने में तो फिर दिक्कत हो जाती है ज़्यादा. तो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे बात कर लिया है, और मेनली आपका गेट का जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशन रहेगा काफ़ी लोगों के लिए जो एंटर ओह एंड या करेंगे. होप इट हेल्प्स आई होप यू हाँ फेल्ट हेल्प समवन एल्स. बिल्कुल. तो आप कुछ फ्यूचर एस्पिरेंट्स को एक ऐसा कुछ टिप्स देना चाहो कि एकदम लोग कुछ तो एक. टिप्स बेस्ट थिंग आई वुड से जस्ट कवर योर बेसिक्स. बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ यू डोंट हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग जस्ट बिल्ड अ 10 स्टोरी बिल्डिंग इट इज गोना फॉल. यू नीड टू हैव योर बेस स्ट्रॉन्ग. हाँ बिल्कुल. ये या तो रियल लाइफ से भी लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज को, कि अगर राइट जैसे राइट बिल्डिंग बनाते तो अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो. एग्जैक्टली. यू नीड टू कवर बेसिक्स. या वन मोर थिंग डोंट 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 अंडर एस्टिमेट एप्टीट्यूड. हाँ. Those 15 questions are like they can change your rank way of way. Like it can make, throw you in top 10 and can throw you in thousands if you attempt those wrong. I noticed किया है काफी students seriously नहीं लेते हैं aptitude का but लेना चाहिए. That's very important actually. बिल्कुल. थैंक यू सो मच निक. अब तो thanks a lot. अब तो syllabus भी बढ़ा दिया aptitude का. I think उन्होंने पहले कम था अब हाँ अब तो तो that's very broad. हाँ
और उसमें मार्क्स लाना भी थोड़ा, मतलब अगर कोई अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आसान रहते हैं थोड़ा लाना कई बार। राइट राइट, इट्स जस्ट लाइक बेसिक मैथ एक्चुअली ऑफ हाँ यूपी, बेसिक अगर में तुम तो बेस्ट में रहा हो इंग्लिश वाले क्वेश्चन छोड़ के। हाँ इंग्लिश वाले में कई बार नहीं या बनते या फिर। इट्स लाइक आता है तो जस्ट इट, अदरवाइज दैट इज व्हाई आई फॉलोड इन माय एग्जाम। इफ मुझे लगा कि यही है, इफ आई हैड स्लाइट डाउट इन दोस क्वेश्चन आई जस्ट लेफ्ट, इसलिए दोनों क्वेश्चन इंग्लिश वाले छोड़ ही देते, मैंने एक अटेम्प्ट किया था तो छोड़ देते। हाँ सही किया आपने। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पे बात कर ली, तो थैंक यू सो मच निखिल, आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपना एक्सपीरियंंस शेयर किया, डेफिनेटली लोगों को हेल्प करेगा जो पूरे एंड पूरा यस देखेगा। तो थैंक यू थैंक्स सो मच लॉट, एंड बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच। श्योर श्योर। या थैंक्स लक्ष्मण फॉर इनवाइटिंग मी, एंड बेस्ट ऑफ लक टू या यू, थैंक यू सो मच निखिल। या एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल फ्यूचर स्टूडेंट्स आल्सो, या बिल्कुल। जस्ट प्रिपेयर वेल। हाँ हाँ थैंक यू सो मच निखिल।